हरे कृष्णा राधे राधे। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जब हमारा व्रत हो तब क्या हम संभोग या सेक्स कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए है, इसलिए प्लीज बच्चे और कुंवारे इस वीडियो को बंद कर दें। जब हम कोई भी व्रत रखते हैं तो वह मन और आत्मा की शुद्धि के लिए, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करने के लिए, किसी देवी या देवता को प्रसन्न करने के लिए होता है। व्रत सिर्फ खाने का नहीं होता, व्रत मन को शुद्ध करने और विचारों को पवित्र करने का होता है। व्रत में हमें किसी की बुराई करना या सुनना नहीं चाहिए, इसलिए कहा जाता है कि जब व्रत हो तो कम से कम बोले। व्रत खुद से जुड़ने का तथा साधना का समय होता है। व्रत में खुद पर संयम रखने से हमें धैर्य आता है। संयम खाने का और शरीर की जरूरतों का होता है। व्रत में हमें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। व्रत में हमें सात्विक विचार तथा सात्विक व्यवहार करना चाहिए। व्रत एक तपस्या है जिससे हमारे अंदर स्वच्छता, ब्रह्मचार्य, सत्य, धैर्य का अभ्यास होता है। अब प्रश्न आता है कि व्रत में संभोग करें या नहीं। एकादशी व्रत में स्त्री संग करना वर्जित है, क्योंकि इससे मन में विकार उत्पन्न होता है और ध्यान भगवान की भक्ति में नहीं लगता। अतः एकादशी पर स्त्री संग नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत कथा में लिखा होता है कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दशमी और एकादशी रात को इसलिए संभोग नहीं करना चाहिए। नवरात्रि व्रत में, कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि व्रत आदि व्रतों में भी संभोग नहीं करना चाहिए। जो कार्तिक मास व्रती रहते हैं या सावन व्रत करते हैं, उन्हें भी पूरा महीना संभोग क्रिया नहीं करनी चाहिए। तभी कार्तिक महात्म में ऐसा लिखा है कि किसी औरत को व्रत शुरू करने से पहले अपने पति और सास की आज्ञा लेना जरूरी है, तभी वो व्रती रह सकती है। व्रत के समय संभोग नहीं करना चाहिए, इसका धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों तथ्य हैं। धार्मिक विचारों में संभोग प्रक्रिया शरीर को अशुद्ध करती है और व्रत में हमें संपूर्ण शुद्धि का पालन रखना चाहिए। वैज्ञानिक विचार से व्रत में ना खाने से शरीर कमजोर होता है और संभोग प्रक्रिया में ज्यादा ताकत चाहिए होती है, इसलिए संभोग को मना किया जाता है। फास्ट के दौरान बॉडी में एनर्जी कम होती है और सेक्स के दौरान पार्टनर जल्दी थक जाते हैं। व्रतों में खाए जाने वाले फलाहार इतने फैटी होते हैं कि उनके सेवन से आपका वजन गिरने के बजाय और बढ़ जाता है। वहीं डाइट की अनियमितता की वजह से अक्सर व्रत के दौरान कमजोरी, गैस्ट्रिक आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस वजह से चिड़चिड़ाहट होती है, इसलिए संभोग क्रिया को ना करना ही उचित होता है। इस विषय पे अगर हम और धर्मों की बात करें तो मुस्लिम धर्म में व्रत को पवित्रता से जोड़ते हुए रोजों के दौरान संभोग प्रक्रिया को रात के समय करने को कहा गया है। दिन में संभोग पूरी तरह से वर्जित है। बौद्ध धर्म में व्रत के समय संभोग प्रक्रिया पूरी तरह वर्जित है। बौद्ध धर्म हमें मोह से दूर रहने की प्रेरणा देता है। ईसाई या क्रिश्चियन धर्म में संभोग को कभी गलत नहीं माना जाता। इस धर्म में मानते हैं कि सेक्स या संभोग प्रक्रिया दो लोगों को करीब लाती है, उन्हें आपस में जोड़ती है। वो इसे बहुत पवित्र प्रक्रिया मानते हैं, इसलिए ही शादी के समय वो चर्च में ही आपस में किस करते हैं। यहूदी धर्म में व्रत के समय संभोग की सख्त मनाही है। उनके अनुसार व्रत का समय खुद से जुड़ने या अपने आप को परमात्मा से जोड़ने का समय होता है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।